माध्यम से, क्योंकि मंत्राधीनास्त देवता, सारे देवता सारे मन के क्रियाकलाप मंत्र के माध्यम से ही नियंत्रित हो सकते हैं, अगर वो मंत्र सही है, अगर उच्चारण सही है, अगर चिंतन सही है। यदि मैं आपके शरीर को भेद करके अंदर पहुंचने की क्रिया जानता हूं, अगर अभिमन्यु को ज्ञात है कि इस चक्रव्यूह में कैसे घुसा जा सकता है, वह ज्ञात तो सहदेव को नहीं था, वह ज्ञात तो भीम को नहीं था, नकुल को नहीं था, और किसी को था भी नहीं। जिसको ज्ञात है वही तो घुस सकता है, और जो घुस सकता है वह गुरु है। इसलिए मैंने इन तीन चार दिनों में आपको यह समझाने की कोशिश की कि आपका जीवन अपने आप में एक मूल्यवान जीवन है। ये जो आदमी दीक्षा क्रम रखा है, ये ब्रह्म दीक्षा या ब्रह्मांड दीक्षा जो रखा है, इस ब्रह्मांड दीक्षा का मतलब ये नहीं कि मैं आपको दीक्षा दी समाप्त हो गए। इस ब्रह्मांड दीक्षा का प्रारंभ जहां मैं आज कर रहा हूं, समापन कल होगा आपका। दोनों क्रियाएं पूर्वार्ध उत्तरार्ध, आज पूर्वार्ध क्रिया आपके सामने कर रहा हूं, कल उत्तरार्ध क्रिया समापन होगी, जहां पूर्ण कायाकल्प हो सकेगा, जहां पूरे शरीर का रक्त, पूरे शरीर की चेतना, पूरे शरीर के अणु परमाणु सारे आत्मा में विलीन हो सकेंगे, जहां आत्मा में विलीन हो सकेंगे, क्योंकि आत्मा तो अपने आप में समस्त तत्वों को निचोड़ है, आपके जीवन का सारा सारभूत तथ्य है। अपने आप में बहुत कठिन ब्रह्मांड दीक्षा है, इतनी आसान नहीं है। शरीर से चलकर के आत्मा तक पहुंचने की क्रिया है, पशु से चलकर के देवताओं तक पहुंचने की क्रिया है, देवता बन जाने की क्रिया है,